से नहीं कहा, अरे उसका तो वही अखाड़ा था, उस कुलभूषण से नहीं कहा, हे वंशपुल का 14,000 सेना और महारथियों के साथ थे, हर दूसरा तीसरा उसी दंडक उसी पंचवती में रहते हैं, क्या तुमने उन्हें सूचित नहीं किया? अवश्य भैया लिंकेश, मैं भैया हर दूसरे के पास सहायता के लिए गई थी भैया। भैया खर ने अपने 14,000 सैनिकों को भेजा, लेकिन भैया आपस में सारी सेना लड़ करके धराशायी हो गई भैया। और भैया भैया खर ने दूसरे भैया को भेजा और ही वीर गति को प्राप्त हुए। फिर लास्ट में भैया खर गए और ही मृत्यु दंड को प्राप्त किए भैया। वन को जाता हूँ, इस नाक काटने का बदला दोनों से अभी चुकाता हूँ। ए प्यारी बहन सुपुलखा, जाओ राजमहलों में जाओ, मैं अवश्य ही नाक और कान काटने का बदला चुकाऊंगा। जाओ भैया लंकेश, इतना करना ए बात भैरी मंदोदरी से कभी मत बताना। अगर उस नारी को आप देख लेंगे भैया तो भारी मंदोदरी का तिरस्कार कर देंगे। कोई बात नहीं, जाओ तुम उसे लंका में लाइए, तभी कल्याण हर दूषण महिष में बलवंता नहीं के मा